अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उमैर नसीम। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर वन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर वन में इसका टॉपिक नंबर वन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये चैप्टर बेस कर रहा है, द वर्ड फंडामेंटल्स एंड केमिस्ट्री। What is the meaning of fundamental? Fundamental के लिए आपने अपने माइंड में ये टॉपिक रखना है कि fundamental means basics. Basics ऐसी चीज को कहते हैं जैसे कोई इमारत है वो किसी बुनियाद पर खड़ी है, तो बेसिक्स के बगैर आपको केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सो केमिस्ट्री की बेसिक्स सीखेंगे इस चैप्टर में, एंड वट इज केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड फंडामेंटल को सबसे पहले सीखने हमने ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सके। फंडामेंटल्स मीन बेसिक स्किल ऑफ दैट सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें कुछ बुनियादी बातें होती हैं, कुछ बेसिक्स होती है जिनको सीखे बगैर आप उस सब्जेक्ट में सरवाइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में वर्ड फंडामेंटल को समझने के बाद अब हम आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री एंड एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या। हमारा मेन फोकस इस सब्जेक्ट की बेसिक्स को समझने और उन्हें इंप्रूव करने पर होगा। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। सो आप सबको पता है साइंस से तमाम ब्रांचेस, तमाम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, तमाम सब्जेक्ट्स इवॉल्व हुए हैं साइंसेस से। सो एट क्लास में आपने पढ़ा एक सब्जेक्ट जिसे हम बोलते थे जनरल साइंस। जनरल साइंस से तमाम डिफरेंट सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड अदर वो इवॉल्व हुए। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या करती है, विच डील्स विद। सो कौन सी चीजों के साथ डील करती है, मैं यहां स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एलैबोरेट करता हूं। नंबर वन, ये किसी भी चीज की कॉम्पोजिशन के साथ डील करती है। कॉम्पोजिशन, अगर मैं इसका उर्दू मीनिंग आपको बताऊं तो उसे कहते हैं किसी चीज के अज्जा क्या है। अज्जा मीन कॉम्पोनेंट्स जिनसे मिलकर कोई भी चीज बनती है, उसे उसके कॉम्पोनेंट्स कहते हैं और उस बनने के अमल को कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन के बाद केमिस्ट्री जिस चीज के साथ डील करती है वो मैटर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर के वर्ड को एलैबोरेट करने के लिए स्टूडेंट्स, मैं अगर इसका उर्दू मीनिंग बताऊं तो ये बनता है साफ, मीन शेप। शेप कैसी होगी किसी चीज की, वो चीज दिखती कैसी होगी, उसमें चीजों की अरेंजमेंट कैसी होगी। सो थर्ड वन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ये वर्ड प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स खसूसियात। कोई चीज कैसी खसूसियात रखती है उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रॉपर्टीज। फोर्थ वन इज हमारे पास रिएक्शंस। किसी चीज के रिएक्शंस यानी उसके तामलात कैसे होंगे। अब यहां हमें क्या पता चला, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ मैटर। इस वर्ड को मैंने अलग इसलिए लिखा है,
I want to elaborate this word as well. केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन याद करने के लिए, उसे समझने के लिए जिस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी वो वर्ड मैटर की अंडरस्टैंडिंग होगी. स्टूडेंट, इसे मैं अटैच करता हूँ, इसे मैं जनरेट करता हूँ, इसे मैं डोनेट करता हूँ साइंस के साथ, जनरल साइंस के साथ. आप सबको याद होगा 8th क्लास में वर्ड मैटर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था. मैटर इज एनीथिंग That occupies some space, जैसे इस मार्कर ने कुछ जगह घेरी हुई है, इस बोर्ड ने कुछ जगह घेरी हुई है, and have some mass, जैसे इस मार्कर का कुछ मैस है, इस बोर्ड का कुछ मैस है, हर चीज जो कुछ स्पेस कवर करती है और कुछ मैस रखती है उसे हम कहते हैं मैटर. मैटर के लिए जो वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है मैं उसे भी साथ बताना चाहूंगा, मादा. और इसका एक यानी एनी मेटीरियल थिंग. ओके, Now, definition क्या बनी? The branch of science which deals with the composition, structure, property and reactions of matter. Student, chemistry की definition hopefully आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन इसे पढ़ना as a subject क्यों जरूरी है? मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा what is the role of chemistry को समझना बहुत जरूरी है in our common life. रोल ऑफ केमिस्ट्री क्या है? चलो इसे स्टार्ट करते हैं. आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको पेंटेड डोर्स मिलेंगे, आपको डाइज मिलेंगी, डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, पेपर मिलेगा आपको अपने इर्द गिर्द, डिफरेंट केमिकल जिनमें सोप है, जिनमें एंड मेनी मोर Millions, मैं इसे अगर वर्ड यूज करूं, millions of chemicals. So, हमें पता क्या चलता है? हमें पता ये चलता है कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व या केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन आवर लाइफ. वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल. सो स्टूडेंट्स, मैं एक रिव्यू जनरेट करता हूं. टॉपिक नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत डिटेल से सीखा. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैटर की कंपोजिशन के वो बना कैसे है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस को डील करता है. सो यहां पर मेरा टॉपिक वाइंड अप हो गया. नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2 में इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन डिटेल. हम स्टेप बाय स्टेप हर ब्रांच को डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात कि आप जब ये टॉपिक वाइज लेक्चर कवर करें तो आपने डेली बेसिस पर इन डेफिनेशंस को याद करना है. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन केमिस्ट्री. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री. Many times in board, a question आया है, आपको इसे तैयार करना है. Till then, thank you very much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.